अनुभव वृद्ध दोनों होकर के विराजमान, वयोवृद्ध भी है, ज्ञान वृद्ध भी है और अनुभव वृद्ध भी है, तीनों वस्तुएं आप में विराजमान है। हम तो आपके सामने बिल्कुल शिशु हैं, चंचल हैं, बालक हैं। तो बाल्यकाल की चंचलता हमारी अभी छूटी नहीं है। शिष्य समान हुई ना हो तुम्हार, मैं तो आपके शिष्य के समान हूं, तत्वता आपके शिष्यों की बराबरी भी नहीं कर सकता हूं, पांडित्य तो मुझ में है ही नहीं। शिष्य समान हुई ना हो तुम्हार, मैं तो आपके शिष्यों की बराबरी भी नहीं कर सकता हूं, आपके साथ में शास्त्रार्थ करना तो बड़ी दूर की बात है। आज बासा गया, काल मिले को आवार, आज अपने बासा मानी निवास स्थान की ओर आप पधारिए, अभी तो आप निवास स्थान की ओर मिले पधारिए, कल मैं आपका दर्शन करने के लिए फिर से आता हूं, कल हम फिर मिलेंगे, इसी स्थान पर भी मिल सकते हैं। शून्य तोमार मुख्य शास्त्र विचार, आपके मुख से काव्य शास्त्र के विचार को, अन्य दूसरे जो शास्त्र हैं उन अन्य दूसरे शास्त्रों के विचार को हम अच्छी तरह से सुनेंगे। मानो महाप्रभु ये कह रहे हैं कि जो रस के तत्व को नहीं जाने, भाव के तत्व को नहीं जाने, रसाभास को नहीं जाने, ऐसे व्यक्ति की कविता क्या छा है, ऐसे व्यक्ति की कविता सुनना तो व्यर्थ है, वो तो राग के समान है, उसकी महिमा का क्या, उसका क्या गायन किया गया। इसलिए श्री महाप्रभु जिस समय गंभीरा में विराजमान हुए, उस समय श्री महाप्रभु ने ये कहा, जो आए वो महाप्रभु को अपनी कविता सुनाने के लिए आया कि मैंने लिखा है, श्री महाप्रभु पसंद कर लेंगे तो मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, महाप्रभु की यदि इसके ऊपर जरा सा सिग्नेचर मिल जाएंगे तो बस मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। तो जो आए वो, अब महाप्रभु कभी सिद्धांत विरुद्ध कोई बात सुने तो बहुत बुरा लगे, महाप्रभु को सहन नहीं हो, इसलिए महाप्रभु ने एक नियम बना लिया कि भाई सबसे पहले स्वरूप दामोदर को सुनाओ। अब स्वरूप दामोदर तो बहुत बड़े पंडित हैं, दयायु पंडित हैं, और क्या बात है, सब शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले हैं। महाप्रभु के पास में जो परकर इकट्ठा हुआ है वो तो परम परम विद्वान परकर है, उसका क्या कहना। महाप्रभु के छो जो गोस्वामी रूप सनातन दास रघुनाथ श्री भट्ट रघुनाथ जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट सबके सब महाकवि, सबके काव्य को देखो तो मैंने एक से एक बढ़कर के काव्य सबके पास में विराजमान, संस्कृत के परम विद्वान होकर के विराजमान। तो महाप्रभु का तो पूरा परकर ही बहुत वृद्ध और शाश्वत क्षमताओं से युक्त परकर था। तो महाप्रभु ने एक नियम बना दिया कि जो भी हो वो सुनाया जाएगा पहले स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर यदि किसी को पास कर देंगे तो वो फिर महाप्रभु से के पास में आए, उसके पास में अपनी कविता को सुनाए। श्री जो सारू भट्टाचार्य उन्होंने भी श्रीमद् महाप्रभु के लिए उस समय एक कविता लिखी, कविता लिख करके और स्वरूप दामोदर के दी, श्री स्वरूप दामोदर परम परम आनंदित हो गए उस कविता को सुन करके। महाप्रभु की वंदना में दो श्लोक लिख करके स्वरूप दामोदर ने उनको श्लोकों को पढ़ा, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के श्लोक। पहले तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के तो गुरुतुल्य होकर के विराजमान है, कई नए न्याय कहते हैं कि नए न्याय की शिक्षा भी महाप्रभु ने इसे प्राप्त की, कुछ लोगों का ऐसा मत है। सौ भट्टाचार्य वे तो बड़े भारी न्यायिक होकर के विराजमान, और कहा जाता है कि बंगाल में जो न्याय शास्त्र को लाने वाले हैं वे सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, नहीं तो पहले न्याय शास्त्र जो था वो मिथिला में था, परंतु मिथिला वाले न्यायशास्त्र पढ़ा करके पोथी रख लेते हैं अपने पास में कि कहीं हमारी विद्या को ये दूसरी जगह नहीं ले जाए, हम लोगों का प्राधान्य बना रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने वहाँ मिथिला में जाकर के न्यायशास्त्र पढ़ा और न्यायशास्त्र के सारे सूत्रों को और उनके सारे जो विवेचन है उस विवेचन को
हृदय में रख लिया, पुस्तक छड़ा ली तो छड़ा लो। और फिर उन्होंने उसकी शिक्षा यहाँ पर बंगाल में प्रदान की, गौड़ देश में प्रदान की। तो इतिहास के क्रम में, न्यायशास्त्र के इतिहास के क्रम में बहुत बड़ा योगदान श्री सार्वभौम भट्टाचार्य का है। और एक वे लीजेंड होकर के वहाँ पर विराजमान हैं, एक स्तंभ होकर के वहाँ के विराजमान हुए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। न्याय में, न्यायशास्त्र में उनकी बड़ी महिमा। तो उन्होंने श्री महाप्रभु को पहले तो, महाप्रभु जब आए थे तब सार्वभौम भट्टाचार्य के पास में ही रहे। शुरू शुरू में तो महाप्रभु ने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको न्याय और सब कुछ पढ़ाया, वेदांत पढ़ाया। फिर महाप्रभु ने उनका खंडन किया, तब उनको होश हुआ और तब उन्होंने एक दो श्लोक लिखे। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के उन दो श्लोकों को स्वरूप दामोदर ने पढ़ा, बहुत आनंदित हुए। और श्री स्वरूप दामोदर ने उन श्लोकों को दीवार के ऊपर लिख लिया कि कहीं ये रहे नहीं रहे महाप्रभु इन श्लोकों को पहले पहचान गए कि महाप्रभु की प्रशंसा में श्लोक हैं, और महाप्रभु इस पत्र का उफाड़ देंगे, चिल्ली चिल्ली कर देंगे। तो जिस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के पास में गमन किया और इन श्लोकों को पढ़ा, महाप्रभु बड़े मन ही मन में बहुत आनंदित हो रहे हैं उसकी कविता उनका भाव देख करके। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा अनेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुधन यस तमहम प्रपद्ये। और दूसरा श्लोक था कि काला नष्टम भक्ति योगम निजम यह प्रादुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूत तस्य पादारविंदे गाढ़ गाढ़ लीयताम चित्त भंग। महाप्रभु मन मन तो बड़े आनंदित हुए, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य से कह रहे हैं कि आचार्य आप भी मेरी ऐसी हंसी उड़ाओगे क्या? ये अतिस्तुति ये तो परहास है, ये तो निंदा का ही एक स्वरूप है। और ऐसा कहकर के वो जो प्रार्थना के श्लोक थे जिनको सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा था उनको महाप्रभु ने फाड़ करके चिंदी चिंदी कर दी उनके। उनके अरे इनकी जरूरत नहीं है। परंतु श्री स्वरूप दामोदर जी की कितनी कृपा के भक्त कंठ हार कहलाए जो श्लोक, उन श्लोकों को उन्होंने दीवार के ऊपर लिख लिया था। वे श्लोक आज भी उनकी कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुए, सब लोगों को प्राप्त हुए, जगत को प्राप्त हुए हैं। महाप्रभु की वंदना के परम श्रेष्ठ श्लोक वे प्रकट हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कविता करने की जो क्षमता है वह तो ईश्वर के द्वारा दी गई है। महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे शिष्य के समान भी नहीं हूं, आज आप आज बासा जा काल मिले वो आवार, कल फिर हम दोबारा मिलेंगे और आपके मुख से हम शास्त्र के विचार को सुनेंगे। सुन तुम्हार मुख्य शास्त्र विचार। शास्त्र का तात्पर्य है जो शासित करे, जो नियंत्रित करे हमारी वृत्तियों को, जो सन मार्ग पर ले जाए उसका नाम है शास्त्र। क्या करना चाहिए इसका उपदेश करे, क्या नहीं करना चाहिए इसका जो सावधान करे बचने के लिए उसका नाम है शास्त्र। शासन से शास्त्र शब्द बना है और उसका मतलब है कि क्या हमको डू और डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, इनकी जो व्यवस्था करे उसका नाम शास्त्र है। तो शास्त्र इस विचार को सुनेंगे। एक मत निज घर गेगा दुई जौन कवि रात्र कई सरस्वती आराधन, सरस्वती आराधन ऐसा कहकर के दोनों जने अपने अपने घर को गए। उस कवि ने रात्रि में सरस्वती जी का आराधन किया। अभी कवि कौन है इस विवाद में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, परंतु शास्त्र में कहीं केशव काश्मीरी जी उनके विषय में, इनके विषय में जो भी जैसा भी हो बड़ा व्यवहार है, तो ये परम विद्वान होकर के विराजमान है। इतनी जरूरत है। तो कवि रात्र कहीं सरस्वती आराधन, कवि ने
सरस्वती का आराधन किया। अब ये वे ही श्री केशव काश्मीरी जी हैं जो कि श्री महावाणिकार उनके गुरु हैं कि कोई उसी नाम के कोई दूसरे व्यक्ति हैं, ये शास्त्र में बड़ा इतिहास में बड़ा विवाद का विषय है, परंतु किसी के लिए न्यूनता या अधिकता दिखाना ये लक्ष्य नहीं है, एक प्रसंग है, कोई कभी होंगे ये, परंतु श्री महाप्रभु ने उनको खंडित करके वो उनके अभिमान को शमित करके दिखाया। सरस्वती स्वप्ने तारे उपदेश करें, सरस्वती जी ने स्वप्न में उनको उपदेश प्रदान किया, उस कवि को सामने आए कि सरस्वती जी उनको सिद्ध थे साक्षात ईश्वर और प्रभु के जाने में, और कहा बोले अरे बेटा तुम जिनसे अटके थे वे श्री चैतन्य महाप्रभु, वे निमाई पंडित सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनको साक्षात ईश्वर करके ही तुम जानो, वे साक्षात ईश्वर हैं, उनके सामने तुम अभिमान दिखाओ ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, ऐसा कहकर के उनको अधिक अच्छी तरह से सरस्वती जी ने समझाया कि मैं सबके सामने तुमको विजय कराऊंगी, परंतु श्री प्रभु जो साक्षात ईश्वर हैं उनकी तो सेविका होकर के मैं विराजमान हूं, उनके सामने यदि कोई अभिमान प्रकट करे तो उसकी सहायता, उनके प्रति अवज्ञा का भाव रखने वाले व्यक्ति उनकी सहायता मैं कैसे कर सकती हूँ। बोलो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। ये निमाई पंडित की महिमा का सरस्वती ने उन पंडित को दिग्विजय पंडित को निरूपण किया। ये सब लीला वर्णीय अच्छे वृंदावन दास, इस चरित्र का वृंदावन दास जी ने भी वर्णन किया था, परंतु केवल इतना सा कहकर के छोड़ दिया था कि महाप्रभु ने उसके गुण दोषों का विचार किया। अब क्या गुण है क्या दोष है क्या विचार किया इस बात को छोड़ दिया था, जितना अंश छोड़ दिया उतने अंश की व्याख्या करने के लिए श्री कविराज गोस्वामी ने उसका विशेष रूप से यहाँ पर निरूपण कर दिया कि क्या दोष थे क्या गुण थे, इनका यहाँ विशेष रूप से निरूपण कर दिया। ये किसी विशेष यह पवित्र प्रकाश, उसमें जो विशेष जो अंश रह गया था जिसकी व्याख्या वहां पर नहीं की गई थी श्री चैतन्य भागवत में, उसका हमने यहाँ पर वर्णन किया है। चैतन्य गोसाई लीला अमृत धार सर्वेन्द्रिय तृप्त हो श्रवणे यहा। श्री चैतन्य गोस्वामी की जो लीला है वो संपूर्ण अमृत की धारा है, उसका श्रवण करने से जितनी भी इंद्रियां हैं तृप्त हो जाती हैं, सर्वेन्द्रिय तृप्त हो श्रवणे यहा, उनका श्रवण करने से सारी इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है। इस प्रकार श्री रूप रघुनाथ इनके चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करके श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य चरित्र के वे अंश जो अमृत रूप है विशेष रूप से गंभीर होकर के विराजमान है, उनका हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे के अध्याय में निरूपण करेंगे जैसे श्रीमद् महाप्रभु की यौवन लीला है, उस यौवन लीला का निरूपण करेंगे। बंदे स्वरा भूते हम तेन चैतन्यम यत्प्रसादतः यवना सुनायन्ते कृष्ण नाम प्रजल्पतः। जिनकी कृपा से श्री यवनगण भी कृष्ण नाम का कीर्तन करके शुद्ध हो जाते हैं, जिनकी अलौकिक चेष्टाएं हैं उन श्री चैतन्य के उनके श्री चरणारविंद की हम वंदना कर रहे हैं। आगे इस प्रसंग को निरूपण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय।
जैसा कि कल निवेदन किया था, श्री श्रीमद् भागवत का एक दूसरा खंड यहाँ पर उपस्थित है। भैया जी यहाँ पर आ गए, मुझे आप चाहें तो इस इन पुस्तकों को यहाँ से ले सकते हैं। ये खंड यहाँ पर उपस्थित हैं, ये राजपंचाध्याय वाला जो खंड है वो आ गया है। तो जो भी चाहें वो भैया इस ऋण है, 550 का है, परंतु यहाँ पर हम लोग 500 में माने इसको, इसकी नौ चार 500 तो उसको। हाँ।